हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नेक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये गरम लिया है जो चिपकने का है। तो हम गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ, और लेंथ है इसकी 7 है, तो मैं पहले यहाँ पर 5 इंच पर निशान लगाऊंगी। पहले हमें 5 इंच पर इसे राउंड शेप में कर लेना है। नीचे से थोड़ा हम वी शेप कट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए, हम इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से राउंड शेप हम दे लेंगे। आप जितना भी आपका नेक की लेंथ है, चौड़ाई है, वो भी रख सकते हैं आप। यहाँ से मैं 1 इंच ले रही हूँ और यहाँ इसकी लेंथ में 2 इंच रखूँगी, तो हमारा पूरा नेक का जो लेंथ है वो 7 इंच हो जाएगा। यहाँ से हम वी शेप कर लेंगे जहाँ से हमने 1 इंच का निशान लगाया था, ठीक है। ये देखिए, हमें इस तरीके से यहाँ से ऐसा शेप कर लेना है। यहाँ से हमारा 7 इंच आएगा बराबर, और यहाँ से हमें लेंथ और लेनी है जो 8 इंच पर मैं लूँगी। यहाँ पर हमें एक लेंथ लगा देंगे और यहाँ से 1 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम पूरा ऊपर तक 1 इंच पर निशान लगा लेंगे, और जो हमारा नेक है वहाँ से भी हम 1 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे, और ये राउंड शेप में भी हम 1 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। तो हमें इस यही निशान पर कट करना है हमें। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी कटिंग हो गई है, और अब हम अंदर की तरफ हमारा नेक कट करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम 1 इंच का गैप देंगे, 1 इंच, ठीक है। यहाँ से हम बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए, यहाँ से हम इस कट कर देंगे यहाँ से। तो पहले हम नेक कट कर लेंगे। अब यहाँ से हमें बिल्कुल हाफ इंच से भी बिल्कुल कम से 2 पॉइंट तक हमें कट करना है अंदर का। तो ये देखिए, कट के इस तरीके से हमारा नेक का शेप इस तरीके से आएगा। ये देखिए, मैंने नेक को इस पे चिपका दिया है कपड़े पे, और यहाँ से हम पहले से राउंड सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है, और मैंने जो हमारा कुर्ती है उस पे मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली है बिल्कुल सेंटर में, और ये इस पर हम एक बीच में से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, मैंने बीच में से सिलाई लगा दी है इसे। अब यहाँ से मैं नेक की सिलाई शुरू करती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है इसे। ये देखिए, पीछे से हमारा ऐसा लगेगा। अब हम इसे कट कर लेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा मार्जिन रख के हमें। ये देखिए, हमें बीच से हमें सिर्फ एक ही हमारी कटिंग आएंगी, और यहाँ से थोड़ा सा हम कट लगा देंगे तो हमारा जो नेक है अच्छी तरीके से पलट जाएगा। ये देखिए, हमने पलटा दिया है, और ये हमें ऐसा लगेगा, ये शेप हमारा आएगा। अब यहाँ पर हम इसे एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेक यहाँ वहाँ ना हिले। ये देखिए, मैंने और पट्टी कट कर ली है जो हमारे हम इस पे थोड़ा सा बॉटम का पाइपिंग देंगे, तो ये कलर की मैंने और पट्टी कट कर ली है। और हमें सिलाई बिल्कुल जो हमने फर्स्ट जो सिलाई लगा ली है बिल्कुल किनारे से हमें यहाँ से सिलाई लगा ली, ठीक है। तो हम जैसा हमारा नेक का शेप है, हम उसी तरीके से वही सिलाई पर बिल्कुल थोड़ा सा देते हुए बिल्कुल बारीक पाइपिंग रहना है हमारी। तो इस तरीके से हम पूरा सा स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, मैंने पूरा स्टिच कर लिया है, और हम इसे ऐसे पलटा देंगे तो हमारी पाइपिंग जो है वो बिल्कुल खूबसूरत लगेगी। और बिल्कुल हमें सिलाई कपड़े के बीच में लगानी है, पाइपिंग और कपड़े के बीच में हमें सिलाई लगानी है जो हमें नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है इस पे, और पीछे जो हमारा कपड़ा है वो हम इस तरीके से उसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। पूरी सिलाई हम लगा देंगे ताकि अच्छी फिनिशिंग, पीछे से भी हमारी फिनिशिंग आ जाए।
यहाँ स्टेट में मैं पट्टी लगाऊंगी। यहाँ से जो हमारा वी शेप जहाँ से हमारा ख़त्म होगा वहाँ पर मैं इसी अंदर साइड से पट्टी लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने पट्टी रेडी करना है, जिसको हम तीनों तरफ से हम सी के उसे पलटा लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अंदर साइड जो मुझे पट्टी लगानी है वो मैंने रेडी कर ली है। और ये देखिए तो हमारा जो ऊपर हिस्सा आएगा फिनिशिंग का दिखना है, तो इस तरीक़े से हमें बिल्कुल ध्यान से सीना है। तो हम पहले राइट साइड में हम सिलाई लगा देंगे, उसके बाद में हम लेफ्ट साइड में सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल हमारा कपड़े और पाइपिंग के बीच में सिलाई लगानी है हमें फिर से यहाँ से इस तरीक़े से। बिल्कुल आसान और इजी है, आप ट्राई करके देखिए, और आपको कुछ अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिए। और आप लोगों ने अगर अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ से हम इसका राउंड शेप ले लेंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरीके से हमारा नेक रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा नेक रेडी हो गया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा नेक रेडी हो गया है, और इस पे हम बटन्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।